बोट रॉकेट रेस। कष्टापुर नाम के गांव में एक बड़ा झील था। उस गांव के मछुआरे उस झील से मछली पकड़कर गुजारा करते थे। उस गांव में आनंद नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। आनंद के पास एक पुरानी टूटी फूटी नाव थी। नया नाव ना खरीद पाकर उसी नाव को कील ठोक कर वो चलाता रहता था। आनंद मछली पकड़कर नाव में डाला तो नाव उलट जाती थी। ज्यादातर मछली फिर से पानी में चले जाते थे। ये देखकर बाकी मछुआरे जोर से हंसते थे। आनंद शाम तक किसी तरह थोड़े से मछली पकड़ कर ले जाता और अपनी पत्नी ममता और बेटे मन्नू का ख्याल रखता था। उनको ठीक से भोजन ना मिलने पर भी ममता और मन्नू ना कोई शिकायत करते थे ना ही कोई मांग करते थे। पर आनंद अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता था। मैंने ममता से प्यार करके शादी किया, बड़े घर की बेटी है, पर तीज त्योहार पर भी उसे कपड़े लेकर नहीं दे पाता। मेरा बेटा हीरा है, इसे देना आता है, लेना नहीं। लानत है, इतना अच्छा परिवार के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा सोचता था। मन्नू को दिवाली रॉकेट बनाने का बहुत शौक था। वो साल भर थोड़ा बहुत पैसे जमा करके रॉकेट बनाता था। दिवाली के दिन उन्हें बेचता था। उन पैसों को लेकर अपने माँ बाप को देता था। उनकी आंखें भर आती। एक दिन आनंद मछली पकड़ने के लिए झील के पास गया। वहां मछुआरे बेचैन लग रहे थे। देखा तो वहां बोट रेस हो रहा था। एक मछुआरे से आनंद, क्यों ताऊ, ये हो क्या रहा है? क्या बताऊं बेटा, पहले जमीन पर कब्जा किया और अब पानी पर भी कब्जा कर रहे हैं। ये सब धनवानों के बच्चे हैं, अब सड़कों पर इन्हें रेस करने नहीं दे रहे हैं तो पानी में रेसिंग करने लगे हैं। कहते हैं कि उन्होंने इस झील को खरीद लिया है। कहते हैं कि अब हम यहाँ मछली नहीं पकड़ सकते। आनंद परेशान हो गया। तभी अमर नाम का व्यक्ति बोट से उतर के आनंद के पास आया। ये क्या, तुम लोग अभी तक यहीं खड़े हो? अच्छा अच्छा, हमें बोट यूं तेज चलाते हुए देखकर हैरान हो रहे हैं ना? अरे अभी देखा ही क्या है, 10 दिनों में बोट रेस होने वाला है। देश के कोने कोने से बड़े बड़े रेसर्स आने वाले हैं। उन बोट के स्पीड से तुम्हारी झोपड़ियों में तूफान आ सकता है, होशियार। चलो चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तब आनंद को एक आइडिया आया। तब आनंद अमर से, क्या बात करते हो ब्रदर, बताओ ताऊ इसे, मेरे बोट के सामने इनके बोट कहाँ टिकने वाले हैं। ब्रदर तुम में हिम्मत हो तो मुझसे मुकाबला करो, तब मैं मानूंगा कि तुम बढ़िया रेसर हो। बेचारे ताऊ को कुछ समझ में नहीं आया। क्या, एक छोटे से गांव में जिसका खाने का और रहने का कोई ठिकाना नहीं मुझे चैलेंज करता है? हमारे पास हेवी प्रोपेलर 3000 सीसी बोट्स हैं, जानते हो। मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड अच्छा लगा, रेस में तुम भी भाग लो। मैं हार गया तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा और साथ साथ ये झील भी। और तुम हार गए तो मुझे क्या दोगे? मैं हार गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे अपने पर नहीं अपने बेटे पर विश्वास है। सारे मछुआरे चौंक गए। रेस वाला दिन आया। अमर के साथ साथ बड़े बड़े रेसर्स आधुनिक बोट लेकर वहां तैयार थे। तभी आनंद अपने नाव में चप्पू चलाते हुए वहां पहुंचा। उसके नाव के दोनों ओर बड़े बड़े दिवाली वाले रॉकेट थे। ये देखकर बाकी रेस जोर से हंसने लगे। पास वाले बोट में बैठा अमर, अरे सुनो, जिद में आकर अपनी जान क्यों दे रहे हो? अभी भी मौका है, लौट जाओ। मुझे ये झील प्राणों से भी प्यारा है ब्रदर। रेस शुरू हुआ। वे हाईटेक बोट सारे आगे निकल गए। आनंद धीरे से चप्पू चलाते हुए जा रहा था। ये देखकर मछुआरे परेशान हो रहे थे। वे रेसर्स बहुत दूर चले गए। किनारे खड़ा मन्नू, डैडी 30 सेकंड के बाद बत्ती जलाना। आनंद ने नाव के अगले हिस्से में रखी बत्ती को जलाया। वो रॉकेट जलने लगे। बस वो नाव बिजली की रफ्तार में
बाकी बोट को पीछे छोड़ते हुए निकल गई। वे सब एकदम दंग रह गए। वे अभी आधे रास्ते में ही थे कि आनंद का नाव रेस की रेखा को पार कर गई। मछुआरों ने जोर से ताली बजाई। बाद में अमर आनंद को 1 करोड़ रुपए देते हुए, मैं जिंदगी में कभी नहीं हारा, इसीलिए मैं ये झील छोड़कर जा रहा हूं, कहकर सिर झुकाकर चला गया। सब ने आनंद और मन्नू की खूब प्रशंसा की। बाद में आनंद ने उस गांव में एक बड़ा सा घर बनाया और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। डॉग रेस्क्यू बैम्बू हाउस। मनाली नाम के गांव में शंकर दादा नाम का एक गुंडा था। सारा गांव उससे डरता था। उसका एक बेटा था, उसका नाम था जीतू। शंकर दादा बड़ों पर रोब झाड़ता था तो उसका बेटा बच्चों पर। जीतू अपने दोस्त केशव, शिवा और ध्रुव के पास आया। तब ध्रुव और उसके दोस्त सड़क पर कुत्ते और उसके पिल्ले को बिस्कुट डाल रहे थे। ये देखकर जीतू ध्रुव से, ए ध्रुव, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये कुत्ते को खिला रहे हो? अरे तुम लोग ये ना भूलो कि तुम शंकर दादा के बेटे के दोस्त हो। तुम लोग ऐसा बर्ताव करोगे तो मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखूंगा। तुम हमसे दोस्ती करो या ना करो, कोई नुकसान नहीं। यहाँ कोई तुम्हारे गुंडागर्दी से डरते नहीं है। मेरा अपमान करते हो, शंकर दादा के बेटे का अपमान करते हो। अब देखो तुम लोगों का और उन कुत्तों का क्या हासिल करता हूँ। जीतू ने जाकर अपने बाप से अपने अपमान की बात की। ठीक है, उनकी खबर कर लूंगा, अब तुम जाकर सो जाओ। अगले दिन ध्रुव के दोस्त कुत्ते के पिल्लों के साथ खेल रहे थे, तभी वहां शंकर दादा और जीतू और उनके आदमी वहां पहुंचे। ध्रुव से शंकर दादा, क्यों ध्रुव, तुम मेरे बेटे के खिलाफ बोलने लगे हो? जानते हो वो कौन है? इस गांव का होने वाला दादा है, शंकर दादा का बेटा। क्यों, आप अपने बेटे को भी अपनी तरफ बिगाड़ने वाले हैं क्या? क्या आप जानते हैं कि इस गांव में कितने लोग आपको गाली देते हैं? ये बात सुनकर शंकर दादा, ए तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ बोलता है, मेरा अपमान करते हो, कहकर ध्रुव का गिरेबान पकड़ा। ये देखकर गांव वाले वहां पहुंच गए। उनमें से एक, ए शंकर दादा, चुपचाप ध्रुव को छोड़ दो, नहीं तो यहां से तुम सही सलामत नहीं जाओगे, तुम्हारा पुर्जा पुर्जा कर देंगे। ए विजय, तेरी भी आवाज उठने लगी है, बच्चे पर हाथ उठाते ही तेरे दिन भर गए दादा, अब तू और थोड़ी देर भी यहाँ रहा तो हमारा हाथ उठ जाएगा, तब तुम्हारी दादागिरी धरी की धरी रह जाएगी। तब शंकर दादा का आदमी, दादा मामला ठीक नहीं है, यदि हम यहाँ से नहीं गए अभी तो बात बिगड़ जाएगी। तब शंकर दादा और उसके आदमी वहां से चले गए। रात हुई, शंकर दादा के आदमी शंकर दादा से, दादा ये सब उस कुत्ते और उसके पिल्ले के कारण हुआ है, उन्हें गांव से निकाल दिया तो इनको अकल आएगी। सही कहा, पहले वो काम करो। तब ध्रुव के घर जीतू और शंकर दादा के आदमी पहुंचे। बाहर कुत्ते के बच्चे खेल रहे थे। वे लोग धीरे से आकर उन पिल्लों को पकड़ने ही वाले थे कि तब कुत्ता भौंकने लगा। ध्रुव और उसके पिताजी दौड़ते हुए बाहर आए। ये देखकर जीतू और उसके आदमी वहां से भाग गए। ध्रुव ने अपने दोस्तों को बुलाया। जीतू और उसके आदमी उन कुत्तों को उठाकर ले जाना चाहते हैं, हम क्या करें? मेरे पिताजी बांस का काम करते हैं, उनसे कहकर इनके लिए एक बैम्बू हाउस बनवाते हैं, आइडिया अच्छा है। अगले दिन ध्रुव और उसके दोस्त मिलकर शिवा के पिताजी से जा मिले और एक अच्छा बैम्बू हाउस बनवाया, फिर उन पिल्लों को उसमें रखा। ध्रुव कुत्ते से, देखो तुम अपने बच्चों के साथ या आराम से रहो, ठीक है? शंकर दादा अपने घर पर अपने आदमियों से, अरे निकम्मो, उन कुत्ते के पिल्लों को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंका? आज देखो मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। रात हुई, शंकर दादा अपने आदमियों के साथ ध्रुव के घर पर गया। वहाँ कुत्तों के लिए बैम्बू हाउस बना देख कर मन में, इन कुत्तों के लिए घर भी बनाया, देखते जाओ तुमको सड़क पर उठाकर फेंक दूंगा। यूं सोचकर बैम्बू हाउस के पास गया और दरवाजा खोला। तब एक हॉर्न बजा और शंकर दादा के ऊपर
एक जाल गिरा। वो उससे छूटने की कोशिश करने लगा पर वो बाहर निकल नहीं पाया। तभी पुलिस वहां पहुंची। ध्रुव और उसके पिताजी भी वहां पहुंचे। शंकर दादा को जाल में फंसा देखकर एसआई, अरे वाह, आज तो बड़ी मछली जाल में फंसी है। जो काम इंसान नहीं कर सके कुत्ते के पिल्लों ने कर दिखाया। एनिमल एक्ट के तहत कम से कम 10 साल के लिए तुम अंदर जाओगे, ये मेरा वादा है शंकर। कॉन्स्टेबल्स ने शंकर दादा को अरेस्ट किया। ध्रुव कुत्ते के पास जाकर, अब तुम आराम से रह सकते हो,